जीप विंगार्ड बहुत ही जल्द आपको इंडियन मार्केट में लॉन्च होती हुई दिखने वाली है, और जीप कंपास के बाद ये जीप की दूसरी गाड़ी होने वाली है जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाली है जीप की तरफ से। और ये भी आपको हो सकता है कि 4x4 में ही देखने के लिए मिले, जो कि आपको एक बहुत ही बेहतरीन ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज के साथ में मिलने वाली है। और इस गाड़ी की लुक्स की बात करें तो लुक्स बहुत ही ज्यादा प्रीमियम और जेन्युइन सा दिखता है आपको, क्योंकि इसके जो हेडलैम्प्स है वो आपको कहीं ना कहीं राउंड राउंड सर्कल शेप के जाते हैं, और उसी में आपको सर्कल शेप के DRL लाइट्स भी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा जेन्युइन सी फील आपको प्रोवाइड कराती है। वहीं आपको फॉग लैंप्स भी काफी क्लासिक शेप में दिखने वाली हैं, जो कि आपको पुरानी गाड़ियों में दिखती थी, तो वैसे ही आपको फील देखने को मिलने वाला है। काफी क्लासिक सा बॉक्सी टच देखने को मिलने वाला है गाड़ी में, कहीं ना कहीं आपको ये सुजुकी की इग्निस की याद दिला देगी, लेकिन ये गाड़ी इग्निस से बहुत ही ज्यादा हटकर है, क्योंकि इस गाड़ी का जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है और प्राइस भी थोड़ा सा बड़ा है। की वजह से प्राइस कोई खास बड़ा भी नहीं है, जैसे कि आप अगर जीप कॉम्पास से कंपेयर कर रहे हो तो उससे बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि जीप कॉम्पास की यही रीजन थी हाई प्राइस की वजह से ये गाड़ी ज्यादा मार्केट में बिक नहीं पाई थी, और हाई प्राइस होने की वजह से ही मिडिल क्लास फैमिली इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, यही एक रीजन थी जिसकी वजह से ये गाड़ी ज्यादा सेल्स में नहीं रही, लेकिन फिर भी अच्छी खासी बिक्री हो गई थी जीप के नाम पे। तो अब जीप इंडियन मार्केट की चीजों को ध्यान में रखते हुए रिगार्ड को लॉन्च कर रही है इंडियन मार्केट में, ताकि एक अच्छी सेल्स भी हो पाए और अच्छी खासी पकड़ भी बना ले ये गाड़ी अपने इंडियन रोड्स पे। तो इस गाड़ी की प्राइस कितनी रहने वाली है? इस गाड़ी की प्राइस आपको देखने को मिलने वाला है 10 लाख से स्टार्ट होता हुआ, जो कि एक्स शोरूम प्राइस रहने वाला है, और खत्म हो सकता है 70 लाख तक में, जो कि टॉप मॉडल तक में एंड हो सकता है ऑन रोड प्राइस, और उससे ज्यादा होने का उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि गाड़ी बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट साइज का SUV आपको देखने को मिलने वाला है, और ये भी हो सकता है कि आपको ये गाड़ी 4x4 में दिखे, क्योंकि इंजन इसमें आपको काफी ज्यादा तगड़ी और ट्रांसमिशन भी काफी तगड़ी सी देखने को मिलने वाली है। ये गाड़ी आपको ऑफर करने वाली है दोनों ही फ्यूल्स में, डीजल और पेट्रोल दोनों में ही इंजन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। डीजल इंजन जो आपको देखने को मिलने वाला है वो रहने वाला है 2.0 लीटर की डीजल इंजन, और जो आपको पेट्रोल में देखने को मिलने वाला है वो रहने वाला है 1.4 लीटर की टर्बो पेट्रोल इंजन। तो जो टर्बो पेट्रोल इंजन रहेगा उसमें आपको मिल जाएगा 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, वहीं पे आपको जो 2 लीटर का डीजल इंजन मिलने वाला है उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा 7 स्पीड ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और ये वाली ऑप्शन आपको पेट्रोल में भी देखने के लिए मिल सकती है अगर आप टॉप मॉडल की तरफ जाते हो तो। और उसी के साथ ही साथ आपको रिगार्ड एक बेहतरीन ट्रांसमिशन भी ऑफर कर देती है, जो कि सबसे ज्यादा टॉप नॉच की होती है, वो होती है 9 स्पीड ऑटोमेटिक 2 लीटर डीजल इंजन वाली, जो कि आपको अपकमिंग कंपास थ्रिल हॉक में देखने को मिलने वाला है, और ये चीज आपको पहले ही रिगार्ड में ऑफर करी जाएगी। तो एक बेस्ट प्राइस रेंज में एक बेस्ट पावर आपको देखने को मिलने वाली है इस गाड़ी में, तो और क्या ही चाहिए, और एक अफोर्डेबल प्राइस है तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है, एक आम आदमी आराम से इस गाड़ी को अफोर्ड कर सकता है। गाड़ी की इंटीरियर फीचर्स की बात कर ले तो गाड़ी के इंटीरियर में आपको देखने के लिए मिल जाता है 8.4 इंचेस का यू कनेक्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले के साथ में, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है, और वहीं आपको पैनारोमिक एंड रिमूवेबल सनरूफ भी देखने के लिए मिल जाता है, और इसमें आपको ड्राइविंग मोड्स भी मिल जाते हैं, जैसा कि इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, ये सारे जो मोड्स आते हैं, और वहीं आपको 18 इंचेस की अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिलेंगी, जो कि प्रेडिक्टेड है कि आपको 19 इंचेस तक की अलॉय व्हील्स देखने को मिलने वाली है। LED हेडलैम्प्स मिल जाएंगी, टेल लैम्प्स भी आपको फुल्ली LED देखने को मिलने वाला है, और बहुत ही ज्यादा बॉक्सी शेप का टेल लैम्प देखने को मिलने वाला है, जैसा कि आपको मिनी कूपर वगैरह में मिलता है, उस टाइप का फील आपको इस कम प्राइस वाली गाड़ी में देखने को मिलने वाला है। तो इस गाड़ी की जो कंपेटिटर्स रहने वाली है वो कौन होने वाली है? इस गाड़ी की जो कंपेटिटर्स रहने वाली है वो आपको देखने को मिलेगी Hyundai क्रेटा से, रेनॉल्ट की कैप्चर से, और अपकमिंग जो रेनॉल्ट डस्टर आने वाली है, जिसके बारे में मैंने सेपरेटेड वीडियो बना दिया है, जो कि आप जाके देख सकते, मैंने डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में डालकर रखा है, तो आप वहां पे जाके चेक कर लो, आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। और इस एक और कंपेटिटर है वो है निसान की किक्स। ये गाड़ी एक अलग ही लेवल पे सारी गाड़ियों को टक्कर दे सकती है, निसान की किक्स। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं जीप रिगार्ड की, तो सिर्फ उसी की बातें करेंगे और कोई गाड़ियों के बारे में। तो गाड़ी की जो बेसिकली लुक्स है भाई, वो बहुत ही ज्यादा क्लासिक शेप की है, जो कि
बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है देखने में, लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं ऐसे, क्योंकि ऐसी गाड़ियां अब डिजाइन करना ही बंद कर दिया गया है बाकी सारी कंपनियों के द्वारा। सारे के सारे मॉडर्न टच के साथ में आती है, बहुत ही ज्यादा मॉडर्न एंड फ्यूचरिस्टिक टच के साथ में, जो कि अब क्लासिक कोई डिजाइन नहीं कर रहा। क्लासिक में जो मजा आता है वो और कोई गाड़ियों में देखने के लिए नहीं मिलता है। रेयर लुक की बात करें तो रेयर लुक में आपको वन एग्जॉस्ट सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है, जमी की यहाँ पे टू एग्जॉस्ट सिस्टम का ऑप्शन मिलता है, और आपको चाहिए तो आप कस्टमाइज करवा सकते हो आपके नीड के अनुसार, और डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाती है, सब कुछ बहुत ही ज्यादा बेटर है इस गाड़ी में। तो कहीं ना कहीं ये इंडियन मार्केट में तबाही तो मचा सकती है। लाइक अगर आप स्कॉर्पियो लेने जा रहे हो तो स्कॉर्पियो को एक बहुत ही अच्छी टक्कर दे सकती है वो, हालांकि एक बिग साइज एसयूवी में आती है, लेकिन फिर भी ये कॉम्पैक्ट होने के बावजूद स्कॉर्पियो को टक्कर दे सकती है। तो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।